न्यूज सर्विस के मौसिस नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 3 फरवरी 2023 को पोप फ्रांसिस ने कांगो में अपने पासबनी दौरे के तीसरे रोज मुबशरानी अंजील और नौजवानों से मुलाकात की। उन्हें कहा कि अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें और अपने आप को किसी भी हौसला शिकनी का शिकार होने न दें। पोप फ्रांसिस ने मुस्तकबिल के लिए हाथ की 5 उंगलियों की मिसाल दी और बताया कि ये उंगलियां दुआ, ईमानदारी, माफी, खिदमत और भाईचारे को जाहिर करती हैं। मजीद कहा कि हर फर्द अपने हाथों की तरह मुनफरिद है। अब हमें खुद फैसला करना है कि अपनी मुट्ठी को बंद रखना है या इसे खुदा और दूसरों के लिए खोलना है। 1 फरवरी 2023 को पोप फ्रांसिस ने कांगो में पाकमस के दौरान मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा, अपने बाजू फैलाएं, रहम को गले लगाएं और अमन के मिशनरी बन जाएं। पोप फ्रांसिस ने कांगो के तमाम जख्मी और मजलूम लोगों से कहा कि सलीब को अपने गले में पहनने से मत डरें, इसे अपने हाथों में लें और अपने दिल के करीब रखें ताकि आप अपने जख्मों को मसीह के जख्मों के साथ बांट सकें। मसीह को अपने दिल को ठीक करने का मौका दें, अपने तमाम खौफ और परेशानियां उसके हवाले कर दें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें यकीन करने की ज़रूरत है कि हम मसीहियों को हर एक के साथ तआवुन करने, तशद्दुद के चक्कर को तोड़ने और नफरत की साजिशों को ख़त्म करने के लिए बुलाया गया है। 2 फरवरी 2023 को श्रीलंका के कार्डिनल मैलिक रंजीत ने कैथोलिक मसीहियों पर जोर दिया कि वो इंसाफ के लिए लड़ें और वो करें जो माशरे के लिए सही है। उन्होंने कहा, हमारी कलीसिया को ऐसे मसीहियों की जरूरत है जो अपने आप को मसीह के लिए वक्फ करें, नीज उसकी पैरवी करें। कार्डिनल रंजीत ने मजीद कहा कि चर्च को अपना नुक्ता नजर बदलना चाहिए, नीज तमाम बिशप साहबान और काहिनों को चाहिए कि वो आम मोमिनीन को मजीद जिम्मेदारियाँ खुशी के साथ सौंपें। 2 फरवरी 2023 को इज्जत मां बिशप यूसुफ सोहन की उसकफी तकरीब का इनेकाद मुल्तान कैथीड्रल में हुआ। खुशी के इस बाबरकत मौके पर पाकमस की अकदस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी कयादत पापाई सफीर क्रिस्टोफ जखियाल खसीस ने फरमाई, जबकि फजीलत पाप अमेरिटस कार्डिनल जोसेफ कूर्स और पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान ने खसूसी शिरकत की। इस तकरीब में कहनाना बरादरी, सिस्टर सहबात, मुबशराने अंजील और मोमिनीन की कसीर तादाद शामिल थी। पापाई सफीर क्रिस्टोफ जखियाल खसीस ने अपने दस्ते मुबारक से इज्जत मां बिशप यूसुफ सोहन की उसकफी रस्म अदा करते हुए उन्हें पाक तेल से मसा किया, माइटर पहनाया और आसा भी पेश किया, जो कि कलिसिया की गल्लाबानी की निशानी है। पापाई सफीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सबसे पहले इज्जत मां बिशप यूसुफ सोहन को पोप फ्रांसिस की जानिब से बरकत दी और कहा कि बहैसियत रूहानी चौपान आपका अव्वलीन फर्ज मोमिनीन में रूहानी बेदारी पैदा करना है और मसीह की पैरवी करते हुए अंजील की बिशारत उन लोगों तक भी पहुँचाना है जो अभी तक इससे नावाकिफ हैं। नीस नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में इज्जत मां बिशप सोहन ने मुल्तान डाइस की कलीसिया के लिए यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मेरा तावुन हमेशा आपके साथ रहेगा और हम मिलकर डायसिस की बेहतरी और फलाह के लिए काम करते रहेंगे। 30 जनवरी 2023 को सेंट मेरी स्कूल मरियमाबाद में पाकिस्तानी सकाफत का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों में सकाफती इकदार को परवान चढ़ाना था ताकि पाकिस्तानी विरसा आइंदा नस्लों तक पहुँचाया जा सके। सेंट मेरी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस दिन स्कूल के तमाम बच्चों ने सिंधी, बलूची, पंजाबी और पख्तून सकाफत के लिबास जेबतन किए हुए थे। नीज मुख्तलिफ सकाफतों के पकवान भी शामिल थे। ये प्रोग्राम सिस्टर शुमाइला और नौशी जॉर्ज की निगरानी में तैयार करवाए गए, जबकि निजामत के फ्राइज मिस रिमशा और मिस कोमल ने अदा किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, प्रिंसिपल ऑफ सेंट मेरी स्कूल, ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मैदान जंग में हारने से कई गुना ज्यादा शिकस्त तहजीब और सकाफत में हार जाना है। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये महज एक कौमी और माशरती सवाल है। किसी भी कौम की बका और अजमत उसकी सकाफत और तहजीब से वाबस्ता होती है। जो अकवाम अपने तारीखी विरसे के जेरे साया अपनी नस्ल को परवान चढ़ाते हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी रवायात और इकदार को अपनी नई नस्ल तक पहुँचाएं। आखिर में तमाम उसातजा और बच्चों को मुबारकबाद पेश की। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।